नमस्ते इंडिया, कैसे हैं आप? मैं हूँ सीएम में दीक्षा राजपाल, एसपीएम फैकल्टी एट रुद्रा एजुकेशन एंड ट्रेनिंग हब। गाइस, हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या देखा था? हमारे एमसीक्यू, जो हमारी इंस्टीट्यूट ने एमसीक्यू बुकलेट इशू करी है हमारे लिए, वो हमने करनी स्टार्ट करी थी। स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए थे, आगे उसी सीरीज को हम कंटिन्यू करते हैं और हमारे एमसीक्यूज आगे करते हैं। ये एमसीक्यू हम क्यों कर रहे हैं, क्या फ़ायदा होने वाला है इन एमसीक्यूज से, इन क्वेश्चंस को हमें अभी करने से क्या मिलेगा? हमें मिलेगा कि हम अपने कंसेप्ट को कोरिलेट कर पाएंगे इन क्वेश्चंस के साथ में। जब हम कोरिलेट कर पाएंगे तो हमें वो एक बारी और कंसेप्ट रिवाइज हो जाएगा। कैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं? जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस रहेगी और उतने अच्छे से ही आप अपने पेपर को भी, एग्ज़ाम को भी सॉल्व कर पाएंगे। अटेम्प्ट करने में एक कॉन्फिडेंस रहेगा, कब? जब आपने प्रैक्टिस कर रखी होगी। तो चलिए उसी बुकलेट को फिर से करते हैं स्टार्ट, नॉट विद द स्टार्टिंग, जहाँ से हमने क्वेश्चंस छोड़े थे उसके आगे आज हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये हमारी एमसीक्यू बुकलेट है जो हमारे इंस्टीट्यूट ने हमें दी है। प्लीज़ इस बुकलेट को अच्छे से कर लो, क्योंकि अब एमसीक्यू क्वेश्चंस ज़्यादा हैं। कैसे आपको सॉल्व करना है, कैसे आगे हम मूव करेंगे, उनके प्रैक्टिस भी हम साइड बाय साइड करेंगे। बट उससे पहले हम क्या करेंगे, इस बुकलेट को करेंगे कंप्लीट और फिर आगे और फर्दर कुछ और चीज़ें करना स्टार्ट करेंगे। तो हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 तक किया था, क्वेश्चन नंबर 10 हमने सॉल्व कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से करना स्टार्ट करते हैं। ये रहा जी क्वेश्चन नंबर 11, रीड करते हैं और आगे बढ़ते हैं। एन इंडेक्स नंबर इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ डैश इन अ वेरिएबल अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ सीरीज एंड यूजिंग अ बेस फॉर मेकिंग कंपैरिजंस। एक स्टैटिस्टिकल मेजर है, इंडेक्स नंबर एक स्टैटिस्टिकल मेजर है। वो क्या करेगा? कंपैरिजन करेगा, वेरिएबल्स को अरेंज करेगा, किसमें? प्रोडक्टिविटी में, इनपुट्स में, एफिशिएंसी में या फिर फ्लक्चुएशंस में। गाइस, ये किस में वर्क करेगा इंडेक्स नंबर? फ्लक्चुएशंस में। एक स्टैटिस्टिकल मेजर है जो फ्लक्चुएशंस जो भी हो रही है ना वेरिएबल्स के अंदर, उनको अरेंज करेगा, एक सीरीज फॉर्म करेगा और आपस में कंपैरिजन करवाएगा। कौन? इंडेक्स नंबर। सो द आंसर इज डी, आंसर इज डी। The answer is D. चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 12. Benchmarking focuses on production, profit, best practice और बेस्ट परफॉर्मेंस। बहुत ही सिंपल है। जब हमने बेंचमार्किंग का कंसेप्ट करना हमने स्टार्ट किया था ना, तभी हमने पढ़ा था क्या कि अपने से ऊंची फर्म्स का या अपने कंपिटिटर्स की प्रैक्टिसेस को हम देखना स्टार्ट करेंगे। बेंचमार्किंग क्या है कि हमारे अराउंड दी जितनी भी फर्म्स हैं वो किस टाइप की प्रैक्टिस कर रही है। तो हम क्या किस पे फोकस करेंगे? बेस्ट प्रैक्टिस पे। बेंचमार्किंग किस पे फोकस करेगा? बेस्ट प्रैक्टिस पे। द आंसर इज सी, बेस्ट प्रैक्टिस। इन एमसीक्यूज को करने के लिए सबसे फर्स्ट थिंग यही है कि आप अपने कंसेप्ट्स को पढ़ के ही इन्हें अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, डायरेक्ट एमसीक्यूज नहीं करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, प्रोजेक्ट रिस्क डज नॉट इंक्लूड इंस्टीट्यूशनल रिस्क, टर्बुलेंस,
कंप्लीशन रिस्क या डी अनसर्टेनिटी। प्रोजेक्ट रिस्क, प्रोजेक्ट रिस्क क्या है? किसी भी प्रोजेक्ट में हम घुसने वाले हैं उसमें होने वाले रिस्क, इंस्टीट्यूशनल रिस्क हो सकता है, क्या पता हमें फंड्स मिले ना मिले, टर्बुलेंस कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। कंप्लीशन रिस्क, जो भी टाइम पीरियड हमने कंप्लीशन का दिया है अगर उसके अबव गया तो वो रिस्क भी है। क्या नहीं है? अनसर्टेनिटी। क्या नहीं है? अनसर्टेनिटी। वो क्यों? वो क्यों? क्योंकि प्रोजेक्ट रिस्क में या किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होने से पहले हम प्रोजेक्ट प्लानिंग भी करते हैं, और वो प्रोजेक्ट प्लानिंग एक एक स्टेप को ही मेजर करके आगे बढ़ते हैं, तो उसमें अनसर्टेनिटी तो किसी चीज़ की रहने ही नहीं वाली। तो प्रोजेक्ट रिस्क डज नॉट इंक्लूड अनसर्टेनिटी। द आंसर इज डी अनसर्टेनिटी। क्वेश्चन नंबर 14, फिजिकल रिस्क अराइजिंग आउट ऑफ सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड लीगल एनवायरमेंट्स आर ऑफ्टन आइडेंटिफाइड थ्रू लीड इंडिकेटर्स, लैग इंडिकेटर्स, लीड एंड लैग इंडिकेटर्स एंड नन ऑफ द अबव। स्टडी नोट 4 का ये क्वेश्चन है जहाँ पे फिजिकल रिस्क के बारे में हमने पढ़ा था। अगर आपने मेरे नोट्स पढ़े हैं तो आपको इसका आंसर बहुत अच्छे से आता है। कहता है फिजिकल रिस्क अराइजिंग आउट ऑफ सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड लीगल एनवायरनमेंट। कौन से इंडिकेटर्स हैं ये? लीड इंडिकेटर्स। कौन से इंडिकेटर्स हैं ये? लीड इंडिकेटर्स। द परफॉर्मेंस ऑफ लीड इंडिकेटर्स, द आंसर इज ए लीड इंडिकेटर्स। ठीक, मूविंग टू द 15th क्वेश्चन, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल रेशियोज इज नॉट इन द एल्टमैन मॉडल जी स्कोर मॉडल। हमें ये बताना है कि इन रेशियोज में कौन सी वो फाइनेंशियल रेशियो है जो हमारे जी स्कोर मॉडल में नहीं आती। पढ़ते हैं, देखते हैं। ए कहता है मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। बी वर्किंग कैपिटल टू टोटल एसेट्स, रिटेन्ड अर्निंग टू टोटल एसेट्स, ईबीआईटी टू टोटल एसेट्स। अब देखिए कौन से फाइनेंशियल रिस्क जी स्कोर में इन्वॉल्व है? ईबीआईटी इन्वॉल्व है, रिटेन्ड अर्निंग टू टोटल एसेट्स इन्वॉल्व है, वर्किंग कैपिटल टू टोटल एसेट्स इन्वॉल्व है। क्या नहीं इन्वॉल्व? मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। हम यहाँ पे क्या पढ़ते हैं? मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर टू द बुक वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, बुक वैल्यू ऑफ टोटल लाइबिलिटी, ये पढ़ते हैं ना। तो हमने यहाँ पे क्या नहीं आने वाला? वो आंसर है मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। कौन सा रेशियो नहीं इन्वॉल्व? रेशियो ए इज नॉट इन्वॉल्व इन द एल्टमैन जी स्कोर मॉडल। क्वेश्चन नंबर 16, द पर्पस ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज प्रोवाइड कस्टमर सेटिस्फेक्शन, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, इंटीग्रेटिंग सप्लाई एंड डिमांड मैनेजमेंट, इंक्रीज्ड प्रोडक्शन। सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या करता है? एक स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक हमको लेके जाता है। तो वहां पे क्या है? कस्टमर का सेटिस्फेक्शन हमें मिल रहा है, यहाँ पे अभी हम कस्टमर को इन्वॉल्व नहीं कर रहे। इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, इंटीग्रेटिंग सप्लाई एंड डिमांड मैनेजमेंट, द आंसर इज इंटीग्रेटिंग सप्लाई एंड डिमांड मैनेजमेंट। जो भी सप्लाई और डिमांड है ना, उनके बीच में एक रिलेशन बना देता है। हमें पता होता है कि इतनी डिमांड जनरेट हो रही है और इतनी हमको सप्लाई प्रोवाइड करवानी है। क्वेश्चन नंबर 17, द मेजर डिसीजन एरिया इन द मेजर डिसीजन एरियाज इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट आर मेजर डिसीजन एरियाज। देखिए, लोकेशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, इन्वेंट्री, प्लानिंग, प्लानिंग तो आता ही नहीं है तो आने के भी तो है ही नहीं,
लोकेशन प्रोडक्शन स्केड्यूलिंग इन्वेंट्री, स्केड्यूलिंग नहीं आता, लोकेशन प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग नहीं. द आंसर इज लोकेशन प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड इन्वेंट्री. इन्वेंट्री कितना होल्ड करके चलना है, पूरे डिमांड को मैच करते हुए हमको रहना है. सो द लोकेशन प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन इन्वेंट्री, ये चार एरियाज हैं जिन पे सप्लाई चेन मैनेजमेंट का फोकस रहता है. द आंसर इज ए. आंसर इज ए. क्वेश्चन नंबर 18. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट बिजनेस ड्राइवर. CRM का ड्राइवर नहीं है, ठीक है जी. इन्वेंट्री कंट्रोल, इंक्रीज रेवेन्यूज, डिफाइन इंफॉर्मेशंस, नीड्स एंड फ्लोज, ऑटोमेशन प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी. क्या नहीं होगा? इन्वेंट्री कंट्रोल होगा, कस्टमर के साथ रिलेशनशिप होगा, हमें पता है कैसे हमें मैनेज करना है, रेवेन्यूज इंक्रीज होंगे क्योंकि कस्टमर्स पे हमारा मेन फोकस रहेगा CRM में, तो रेवेन्यूज बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे. डिफाइन इंफॉर्मेशन, नीड्स एंड फ्लोज. क्या बिजनेस ड्राइवर नहीं है? सी, डिफाइन इंफॉर्मेशन नीड्स एंड फ्लोज, जो भी जरूरतें हैं क्या फ्लोज रहेंगे उनको हम डिफाइन नहीं करने वाले. ऑटोमेशन प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी भी इसमें इन्वॉल्व होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19. कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज अबाउट, CRM इज अबाउट एक्वायरिंग द राइट कस्टमर, बिल्कुल. इंस्टीट्यूटिंग द बेस्ट प्रोसेसेस, हाँ जी. मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज, बिल्कुल. ऑल ऑफ द अबव, द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. यहाँ पे सब कुछ रहने वाला है. हम अपने एम्प्लॉयज को भी मोटिवेट करा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास इस टाइप के कस्टमर हैं यहाँ पे जो हमसे हमारा माल खरीदने के लिए तैयार हैं. डायरेक्ट एक रिलेशन बना रखा है हमने कस्टमर्स के साथ में, तो हमारे एम्प्लॉयज भी मोटिवेट होंगे क्योंकि अच्छे रेवेन्यूज जनरेट होंगे तो एम्प्लॉयज भी मोटिवेटेड होंगे. तो यहाँ पे आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव. यहाँ पे सारी चीजें आने वाली हैं. नेक्स्ट 20. प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग इंफॉर्मेशन अबाउट कस्टमर्स टू मैक्सिमाइज लॉयलिटी इज सेड टू बी. सिंपल इज दैट, कस्टमर्स की लॉयलिटी को हमें मैक्सिमाइज करना है तो वो कहाँ पे होगा? हमारे CRM में, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में. कंपनी रिलेशनशिप मैनेजमेंट नो, सप्लायर मैनेजमेंट नो, रिटेलर मैनेजमेंट नो, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज द आंसर, जहाँ पे हम अपने कस्टमर्स की लॉयलिटी को इंक्रीज करते हैं, ठीक है जी. ये तो हुए हमारे 20 क्वेश्चंस. रिमेनिंग जो भी क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस हम करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, मिलेंगे बहुत जल्दी ही. और इन क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए मैं यही कहूँगी, कंसेप्ट्स की क्लैरिटी रखो, आपको अपने आप इनके आंसर्स मिल जाएंगे. ज़्यादा ना टाइम लेते हुए करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे की और प्रैक्टिस के साथ. मेरी तरफ से नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल. पढ़ते रहो, बढ़ते रहो.